गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है अपनी डिज़ाइंस के लिए, और डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग हमारे को बैकग्राउंड इंटरनेट पे नहीं मिल पाते, ना ही हम वैसे बैकग्राउंड खुद से बना पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को माइंड में रखते हुए मैंने आज की वीडियो बनाई है ये, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इलस्ट्रेटर के अंदर एक लिक्विड कलर बैकग्राउंड बना सकते हैं। और इस टाइप के जितने भी बैकग्राउंड्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, काफ़ी क्रिएटिव लगते हैं देखने में, काफ़ी कूल हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे स्टार्ट टू एंड, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी मैंने ट्रिक्स का यूज़ किया है कि आप इस बैकग्राउंड को ईजी वे में कैसे बना सकते हैं। तो गाइज, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे इलस्ट्रेटर में, और यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और इस फाइल का जो साइज है मैं रख रहा हूँ फुल HD 1920x1080, ठीक है, 300 रेजोल्यूशन पे, और हिट करते हैं ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ये फाइल आ जाती है। अब सबसे पहले मुझे लिक्विड शेप बनानी है, लिक्विड जो मेरा एक पैटर्न रहेगा उसकी शेप बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से सर्कल ले रहा हूँ, इलिप्स, और इसका फिल कर देता हूँ यहाँ से नन, और यहाँ पे एक ऐसे एलिप्स बना देता हूँ, ठीक है। ऑल्ट के साथ इसी की कॉपी करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके, आपको पता ही होगा कि कैसे इसकी कॉपी होती है, और इसकी एक कॉपी यहाँ पे रख देता हूँ। अगेन ऑल्ट के साथ में इसकी एक और कॉपी करता हूँ, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, और इसको रख देता हूँ मैं कुछ यहाँ, और ये यहाँ, ठीक है। एक और ऑल्ट के साथ में इसकी कॉपी लेता हूँ और इसको हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, और इसको रख देता हूँ यहाँ। अगेन ऑल्ट के साथ में एक और कॉपी, और इसको थोड़ा सा बड़ा, और इसको रख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो ये मेरे कुछ सर्कल बन गए जिसके हेल्प से मैं शेप कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेन टूल लूँगा, और पेन टूल लेने के बाद में एक सर्कल से दूसरे सर्कल में मैं कुछ ऐसी शेप दूंगा, ठीक है। आप ध्यान रखें कि मैं हर एक सर्कल से जब दूसरे सर्कल में शेप डालूंगा तो ये अंदर की साइड में कर्व होगी, ठीक है। ये करा, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करा, अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट ला सकता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके इसको भी कुछ ऐसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अगेन यहाँ पे क्लिक करूँगा, और इसको ये कुछ ऐसे। आप ये ध्यान रखें कि देखें मेरी सारी की सारी ये शेप अंदर की साइड में कर्व कर रहा हूं, ये और ये। आप अपने अकॉर्डिंग कैसी भी शेप आपको चाहिए आप उसको रख सकते हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम कैसे डिजाइन बना सकते हैं। अब ये मेरी शेप बन चुकी है। अब मैं सभी को सिलेक्ट करूंगा, पाथ फाइंडर का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर ऑप्शन नहीं है यहाँ पे तो आप विंडो में जा करके यहाँ पे पाथ फाइंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पाथ फाइंडर शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सभी को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वेल्ड का, यूनिट का, इस पर क्लिक कर दिया तो ये मेरी कुछ शेप ऐसे बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे मेरे को ये शार्प कॉर्नर दिख रहे हैं, तो इसके दो ऑप्शन है, आप दोनों तरीके से इन्हें सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपली सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा स्मूथ टूल का, स्मूथ टूल लूँगा और इसके इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो ये थोड़े ऐसे स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है कि जैसे मेरे को इस वाले कर्व को ठीक करना है, तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया इस पॉइंट को, और यहाँ पे मेरे को ये आइकन दिखेगा और इसको सिलेक्ट करके मैं ऐसे कर्व कर सकता हूँ। तो आपको मैंने दोनों ही ऑप्शन बता दिए, आप किसी भी ऑप्शन से इसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन ये सिलेक्ट होना चाहिए, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये ऑप्शन काम कर जाएगा स्मूथ का। तो आप कहीं पे स्मूथ से भी कर सकते हैं, कहीं पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जहाँ पे जिस टूल का वर्क हो रहा है आप उसके अकॉर्डिंग उसे कर सकते हैं। तो ये मेरी शेप बनकर कुछ तैयार हो गई है। अब मैं इसमें ग्रेडियंट फिल करूँगा, तो इसकी स्ट्रोक को कर देता हूँ मैं यहाँ से अब नन, और इसका ये जो फिल है इस पर जा करके यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ। तो इसमें मेरी ये कुछ ऐसा ग्रेडियंट आ जाएगा, तो मैं वाइट की जगह पर यहाँ पर कर देता हूँ इसको रेड, और मिक्सचर में जाऊँगा और जो इसका रेड है इसको पुल कर दूंगा यहां से, ठीक है। इसके अलावा अब यहां पे मैं करूंगा इसको ब्लू, ये, और इसका ब्लू भी मैं यहां से बढ़ा दूंगा थोड़ा, मिक्सचर के हेल्प से आप बढ़ा सकते हैं।
बीच में मैं एक यहाँ पे थोड़ा पर्पल टाइप में कर दूंगा इसको, कुछ ऐसा दिखे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ये कलर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप वैसे ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट हम और चेंज कर लेते हैं कि मेरा रेड पार्ट और ज़्यादा दिखे, तो इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ मेरी एक शेप बन जाएगी। इसी शेप को कॉपी करूँगा, ऑल्ट ऑल्ट के साथ भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल सी वी भी कर सकते हो। तो मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी करी एक यहाँ पे, और इस शेप ये जो ग्रेडियंट है इसमें, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा रेडियल। रेडियल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको रिवर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसको कर दूंगा मैं यहाँ से रिवर्स, जिससे रेड पार्ट मेरा बाहर की साइड आ जाए। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को, ये जो मेरा पहले वाला ऑब्जेक्ट का, इसको सेलेक्ट करूंगा अरेंज और फ्रंट कर दूंगा। ठीक है, और इसको अब दोनों को यहाँ पे सेट करूंगा। और जो मेरा पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सेलेक्ट कर ही रखा है, और थोड़ा सा बड़ा करके, उसको बड़ा करके हल्का सा रोटेट कर दिया कुछ ऐसे। ठीक है, और ये वाला भी मैं हल्का सा ऐसे रोटेट कर दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग कैसी भी शेप बना सकते हैं, कैसा भी ग्रेडियंट डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लें। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, और आप यहाँ से ट्रिक ही सीख करके जाएं, ना कि मैं कितना उसको रोटेट कर रहा हूँ, या मैंने कौन सा ग्रेडियंट डाला है, या फिर कैसी कैसी सर्कल की शेप यूज़ करी है। आप ये चीज़ बिल्कुल भी इसमें ना सीखें। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि जो ब्लू है इसका ग्रेडियंट थोड़ा सा और चेंज करना चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा मैंने हल्का सा बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये मेरा कुछ ऐसा शेप बन जाएगी। अब मैंने इस शेप की एक बार और ऑल्ट के साथ में कॉपी करी, और इसको यहाँ से सिंपल एरो पे क्लिक करूँगा, तो मेरा फिल जो है वो स्ट्रोक में चला जाएगा। तो अब मेरा स्ट्रोक में जो है वो है ग्रेडियंट। अब यहाँ पे स्ट्रोक को ऊपर करूँगा, और ये मेरा सेलेक्ट है, यहाँ पे ग्रेडियंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अगर आपको कोई भी टूल्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप विंडो में जा करके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट है, इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैंने इसको करना है यहाँ पे, ये वाला बीच वाला हटा देता हूँ मैं ड्रैग करके, और रेड को कर दूंगा मैं यहाँ से ब्लैक, और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से वाइट। ठीक है, और इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगा कुछ ऐसे। ठीक है, और यहाँ से स्ट्रोक इसका कर दूंगा अराउंड 3 पिक्सल्स का। ठीक है, और इसके बाद इसको भी हल्का सा मैं रोटेट कर दूंगा। अब इसमें ये जो शेप थी इसको एक बार और कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद ये जो फिल था इसमें, इस फिल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको ये आइकन दिखेगा, इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पैटर्न का ऑप्शन मिलेगा, इस पैटर्न पे बेसिक ग्राफिक्स, और यहाँ पे मैं डॉट्स पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे डॉट्स हैं, आप कोई सा भी डॉट्स इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें करता हूँ फर्स्ट वाला करके देखता हूँ कि कैसा शो हो रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्ट्रोक ऊपर कर रखा है, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है, स्ट्रोक में हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिल ऊपर होना चाहिए आपका। अब मैंने यहाँ पे फिल पे, तो आप देख सकते हैं ऐसे डॉटेड हैं। लास्ट वाला करके देखता हूँ कुछ ऐसे हैं, और थर्ड, आई थिंक थर्ड वाला मेरे को बढ़िया लग रहा है, तो मैंने थर्ड वाला इस पर अप्लाई कर दिया, और इसको इसके साथ यहाँ पे रख दिया। ठीक है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी इसे निकाल सकते हैं, और यहाँ से इसका कलर मोड चेंज कर दूंगा। ये कलर मोड चेंज करने का ऑप्शन आपको ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में मिलता है। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ से लाइनर, या फिर कलर डॉज, नहीं लाइनर ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, तो इसको मैं ऐसे सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके हल्का सा और रोटेट भी कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा इस पे भी आए, और इस शेप पे भी ये मुझे शो होए। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लिया, और अपने फाइल साइज के जितने एक यहाँ पे बॉक्स बना लिया, और इसमें जो फिल कर देता हूँ मैं, वो कर देता हूँ यहाँ से ब्लू, और ब्लू का यहाँ से मिक्सचर मैं कर दूंगा थोड़ा सा ब्राइट। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा अरेंज, और यहाँ से कर दूंगा सेंड टू बैक। तो ये मेरा बैक में चला जाएगा, और मैंने इस ब्लू कलर को अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया हुआ है। ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, लॉक एंड सिलेक्शन, तो यहाँ पे मेरा ये लॉक हो जाएगा। तो मेरे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ शेप ऐसे बन करके आई है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी स्ट्रोक थी इसको सी प्रेस करूँगा, और जहाँ से आपको कट करना है वहाँ से इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने एक क्लिक किया यहाँ, और एक किया यहाँ, और इतना पार्ट इसका मैं डिलीट कर दूँगा, और स्ट्रोक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको कर दूँगा राउंड कॉर्नर। ठीक है, स्ट्रोक को थोड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ से 2 पिक्सल्स का। तो
कुछ मेरी ऐसे दिखेगी। आप इसमें कलर्स और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें कर रखा है ब्लैक एंड वाइट, तो इसके ग्रेडियंट्स में ये ब्लैक की जगह आई थिंक ब्लू रखा था, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, तो ये कुछ अब ऐसा दिखेगा। लेकिन मैं ब्लैक की जगह में इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ यहाँ से पर्पल, ये, और इसको भी हल्का सा यहाँ पे टैन कलर, ये कुछ इस टाइप से आपको लाइन शो होगी, ठीक है। और इसका कलर मोड मैंने यहाँ से नॉर्मल ही कर दिया। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइन टूल, और लाइन टूल लेने के बाद में इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट, और सिंपल शिफ्ट के साथ में एक शिफ्ट होल्ड करके एक लाइन ड्रैग करूँगा जिससे स्ट्रेट लाइन बन जाए, ठीक है। ऑल्ट के साथ में इस लाइन को कॉपी करूँगा ऐसे, और कंट्रोल डी करता रहूँगा तो ये मेरी लाइंस कुछ ऐसे कॉपी हो जाएंगी। सभी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं कर दूँगा अराउंड 2 pixels की। सेलेक्ट करने के बाद में ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पर इसको कर दूँगा एक्सपेंड, जिससे मेरी स्ट्रोक जो है वो फिल्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट में जाऊंगा अगेन कंपाउंड पाथ और यहाँ पे मेक कर दूंगा, तो ये मेरे सभी एक पाथ में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसको सिलेक्ट करूंगा, आई ड्रॉपर टूल लूंगा और यहाँ पे ये कलर फिल कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो अभी ये क्योंकि रेडियल में है तो मैं इसके इसको यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ पहले फिल को, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको कर दूंगा मैं लाइनर, और इसका जो पर्पल है इसको भी सेंटर में थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा डिजाइन इसमें बनेगा, ठीक है। अब इस पे एक मैं यहाँ पे इलिप्स टूल से एक सर्कल बनाऊंगा ऐसे कुछ, और इसको सभी को सिलेक्ट करके मैं क्लिप मास्क कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसा एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ, और इसकी एक कॉपी करके रख देता हूँ यहाँ, और ये आप वही मैं बता रहा हूँ आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी सेट कर सकते हैं। एक बड़ी कॉपी कर देता हूँ यहाँ, और इसका थोड़ा ग्रेडियंट मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं रिवर्स, यहाँ से रिवर्स, ताकि मेरा रेड इस साइड में दिखे। और अब मैं यहाँ से एक इलिप्स टूल अगेन लेता हूँ और यहाँ पे इसमें ये कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब जो इसका ग्रेडियंट है इसको करता हूँ मैं कुछ ऐसे, और इसमें से एक हटा देता हूँ ग्रेडियंट, तो मेरे को कुछ ऐसे शो होगा। और ग्रेडियंट आई थिंक ब्लू ज़्यादा दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगा, ठीक है। अब इस सर्कल को मैं रख दूंगा यहाँ, और इसकी एक और कॉपी लूंगा, उसको छोटा करके थोड़ा सा रख दूंगा यहाँ, और एक और कॉपी और इसको रख दूंगा यहाँ पे। तो आप इस टाइप से कहीं पे भी कितने भी सर्कल रख सकते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ये, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल बेसिक जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने यहाँ पे शेप बनाई थी दो, ठीक है, इन दो जो स्टार्टिंग वाली शेप थी उनको सिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट के साथ में इधर ड्रैग करके लाऊँगा, थोड़ा छोटा करूँगा, और मैं कहीं पे भी इनको सेट करता जाऊँगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आप कैसे भी रोटेट करके थोड़ा सा बड़ा करके इनको चेंज करके रखते जाएँ, ताकि ये हमारे को देखने में ऐसा लगे कि ये अलग अलग हमारी शेप हैं, ठीक है। जैसे इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करके, और ये वाला पार्ट इसका यहाँ पे रख देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा थोड़ा, और इसको मैं एक को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो आप इस टाइप से इतनी सारी शेप्स रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सर्कल भी रख सकते हैं, ये वाले सर्कल, जैसे मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ, कोई भी सर्कल आप कहीं पे भी रख दें, ठीक है। ये वाले सर्कल्स की भी कॉपी कर लेते हैं और इनको कहीं कहीं पे हम रख देते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। आप कितना भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब ये जो मेरी लास्ट वाली जो ये वाली शेप है जिसमें मैंने रेडियल ग्रेडियंट डाला था, इसको एक बार ऑल्ट के साथ और कॉपी करूँगा, और इसमें जो है मैं इसका ग्रेडियंट कर दूंगा यहाँ से चेंज, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ सियान, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसमें कुछ ऐसा पर्पल, ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से लाइनर, तो ये कुछ मेरा ऐसा दिखेगा। और इसकी एक शेप मैं बड़ी लेकर के बड़ा कर दूंगा इसे, और इसको ऐसे रोटेट करके यहाँ सबसे पीछे रखूँगा, राइट क्लिक करूँगा, अरेंज एंड बैक कर दूंगा, उसके बाद में कंट्रोल ब्रैकेट ऊपर करूँगा तो एक बार यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। और जो इसका ग्रेडियंट है ये अलास्यान, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा ब्लूई,
ये ठीक है। और इसकी ओपेसिटी अपने अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे रखा है अराउंड 20, ठीक है। अब मैं इसकी भी एक एक कॉपी करता जाऊंगा और इनको भी जहां पे भी आपको सेट करना है आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कैसे भी करके और रोटेट करके चेंज कर सकते हैं, जिससे कि बस देखने में हमारे को ये लगे कि सारी की सारी शेप्स अलग अलग हैं और अलग अलग बनाई गई हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से मैंने इसको भी यहाँ पे रख दिया और इसको थोड़ा सा कर देता हूँ इस साइड में नीचे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, जिसमें मैं लिखूँगा लिक्विड कलर, और इसका जो फॉन्ट मैं लूँगा वो लेता हूँ यहाँ से बिबास, और इसका कलर कर दूंगा मैं यहाँ से वाइट। इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे रखूँगा, ऑल्ट के साथ अगेन इसकी कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड, और यहाँ पे इसको कर दूंगा मैं छोटा, ठीक है। और यहाँ से इसकी स्पेसिंग बढ़ा दूंगा और शिफ्ट के साथ इसे भी सिलेक्ट करूँगा, अगेन इस पर क्लिक करूँगा और इसको कर दूंगा अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। अब मैं एक रेक्टेंगल और बनाऊंगा, क्लिक करूंगा 1920 1080, हिट करूंगा ओके, और यहाँ पे इसको सेंटर करूंगा। सेंटर करने के बाद कंट्रोल ए करूंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कर दूंगा मेक क्लिप मास्क, जिससे कि सारे का सारा मेरा जितना भी ड्राइंग्स थी वो एक प्रॉपर साइज के अंदर फिट हो जाए। और ये कर सकते हैं, ये जो मेरी लाइंस है ये थोड़ी अजीब सी दिख रही है, अगर मैं इसको वाइट करके देखता हूँ तो वाइट कैसी लगती है, तो ये वाइट ज़्यादा बेटर लग रही है आई थिंक, तो इसको वाइट ही रखते हैं। और आपने देखा कि कैसे हमने नॉर्मल सिंपल शेप्स और सिंपल ग्रेडियंट का यूज़ करके एक बैकग्राउंड बना लिया है। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपने देखा कि कैसे हमने इलस्ट्रेटर की कुछ टेक्निक को, कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके कैसे एक क्रिएटिव बैकग्राउंड बनाया। और इस टाइप के बैकग्राउंड्स जो हैं आजकल वो काफ़ी ट्रेंड में है, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, और अगर आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।